हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी एग्जाम कॉर्नर में। फ्रेंड, जैसा कि मैं आपके लिए लगातार साइंस से रिलेटेड टू दी पॉइंट कुछ क्वेश्चन ला रहा हूँ, जो फ्रेंड आने वाले आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर रेलवे, एसएससी और स्टेट लेवल पर जो भी एग्जाम होते हैं फ्रेंड, उस सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो उसी सीरीज का नेक्स्ट वीडियो लेके मैं फ्रेंड हाजिर हो गया हूँ। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्रमुख उपकरण और उनके कार्य, जो कि हर एग्जाम में एक या दो मार्क्स के आपको देखने के लिए हमेशा मिल ही जाते हैं फ्रेंड। और ये कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, इसमें आपको देखने के लिए जरूर ही से जरूर मिलेगा। स्टेट लेवल एग्ज़ाम कोई भी यूपी एसआई या यूपी कांस्टेबल या बिहार एसआई, बिहार कांस्टेबल, बीपीएससी और एसएससी, कोई भी लेवल कोई भी एग्ज़ाम हो फ्रेंड, उसमें इसमें से तो एक मार्क्स का आना फिक्स होता है फ्रेंड। तो फ्रेंड उसी ये टू दी पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड। तो इसी लेकर मैं सोचा कि मैं आपको जल्द से जल्द इसको प्रोवाइड कर दूं। ऐसे ही टू दी पॉइंट वीडियो मैं लगातार फ्रेंड आपके लिए लाता रहूँगा फ्रेंड। तो शुरू करते हैं फ्रेंड आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड आपसे नम निवेदन है कि मेरे मेहनत का फल फ्रेंड आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब बटन है फ्रेंड। तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ एक बार जरूर दबा दीजिए फ्रेंड। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड सब्सक्राइब बटन दबा दें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। और बेल आइकन दबाना ना भूले फ्रेंड, ताकि आपको वीडियो का अपडेट भी मिलते रहे फ्रेंड। ओके फ्रेंड, शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, उपकरण है और उसके कार्य हैं, जैसे कि बहुत बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल ही जाता है फ्रेंड। तो शुरू करते हैं। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर से क्या मापी जाती है? तो ऊंचाई का मापक है अल्टीमीटर। बैरोमीटर, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब का मापन है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, तो मापा जाता है बैरोमीटर से। हृदय की गति की जांच की जाती है तो कार्डियोग्राम से हृदय की गति मापी जाती है, तो वो मापी जाती है कार्डियोग्राम से। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये बैरोमीटर भी पूछा हुआ है, बहुत बार एसएससी में पूछा जाता है फ्रेंड। नेक्स्ट है फ्रेंड, द्रव की अपेक्षित घनत्व, द्रव की अपेक्षित घनत्व किससे मापी जाती है? तो वो मापी जाती है हाइड्रोमीटर से। द्रव का अपेक्षित घनत्व किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से मापी जाती है। गैस के दाब मापी जाती है तो मैनोमीटर से गैस की दाब मापी जाती है। नेक्स्ट है वर्षा का मापन, तो वर्षा का मापन किया जाता है रेन गेज से, वर्षा का मापन किया जाता है रेन गेज से। नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता की माप, तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर स्केल से, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, दूध की शुद्धता किस चीज़ से मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से, लैक्टोमीटर से हमेशा दूध की शुद्धता मापी जाती है। नेक्स्ट है समुद्र की गहराई का मापन किससे किया जाता है? तो समुद्र की गहराई का मापन किया जाता है फैदोमीटर से, फैदोमीटर का प्रयोग ये पूछा जाता है फ्रेंड। और लैक्टोमीटर भी बहुत बार पूछा जाता है एसएससी में कि समुद्र की गहराई मापी जाती है, तो वो मापी जाती है फैदोमीटर से। नेक्स्ट है हवा की शक्ति तथा गति का माप, हवा की शक्ति एवं गति का माप मापा जाता है एनीमोमीटर से, हवा की शक्ति एवं गति का माप मापा जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता की मापी जाती है, तो वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, देख लीजिएगा। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट है भूकंप मापी यंत्र, तो भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ मापा जाता है, भूकंप मापा जाता है सिस्मोग्राफ से, भूकंप मापा जाता है। नेक्स्ट है आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी की माप ली जाती है, तो वो ली जाती है सेक्सटेंट से, सेक्सटेंट से आकाशीय पिंडों की कोणीय दूरी की माप ली जाती है। नेक्स्ट है विद्युत धारा की माप ली जाती है, तो एमीटर से विद्युत धारा की माप ली जाती है एमीटर से। नेक्स्ट है पहियों द्वारा तय की गई दूरी किसे मापी जाती है? पहियों द्वारा तय की गई दूरी, तो वो मापी जाती है ओडोमीटर से, ओडोमीटर से पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापी जाती है। पौधे की वृद्धि की माप किससे मापी जाती है? पौधे की वृद्धि, तो वो है क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ से पौधे की वृद्धि मापी जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड, रक्तदाब, नेक्स्ट है विद्युत धारा की प्रबलता की माप किससे की जाती है? तो विद्युत धारा की प्रबलता गैल्वेनोमीटर से की जाती है, बहुत बार पूछा जाता है गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता की माप के। रक्तदाब मापा जाता है तो सिस्मोमैनोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है, सिफ्गोमैनोमीटर से रक्त का मापन किया जाता है। उच्च ताप मापक होता है तो पाइरोमीटर उच्च ताप का मापन होता है। नेक्स्ट है पानी में ध्वनि का माप हो जाता है, तो हाइड्रोफोन से ध्वनि का मापा जाता है पानी में।
ध्वनि का माप मापा जाता है हाइड्रोफोन से, वायुयान तथा मोटर बोटों की गति का मापन किया जाता है तो टेकोमीटर से, वायुयान तथा मोटर की गति मापा जाता है तो टेकोमीटर से, ताप नियंत्रण करने में तो थर्मोस्टेट से ताप नियंत्रित करने का विधि को मापा जाता है तो वो है थर्मोस्टेट से। नेक्स्ट है फ्रेंड, घूमती हुई वस्तु की गति मापने में तो गायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है घूमती हुई वस्तु को मापने में। हृदय और फेफड़ों की गति सुनने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं स्टेथोस्कोप का, मालूम होगा फ्रेंड, ही सिंपल सा है। नेक्स्ट है, गुर्दे खराब होने की अवस्था में रक्त शोधन में मापा जाता है तो रक्त शोधन मापा जाता है डायलिसिस द्वारा किया जाता है रक्त का शोधन। वाहनों के इंजन को ठंडा करने में किसका प्रयोग किया जाता है तो रेडिएटर का प्रयोग होता है वाहनों के इंजन को ठंडा करने में। ध्वनि उत्पादन में तो जाइलोफोन का उपयोग किया जाता है ध्वनि उत्पादन में। द्रव की निश्चित मात्रा मापने में तो पीटेट का प्रयोग किया जाता है द्रव की निश्चित मात्रा मापने में। और नेक्स्ट है फ्रेंड, पेसमेकर का संबंध है तो पेसमेकर हृदय की गति मापने में पेसमेकर का संबंध है। और जलयानों पर समय का सही पता लगाने के लिए क्रोमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जलयानों पर यानी जहाज़ों पर समय का सही पता लगाने के लिए क्रोमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम मौसम का निर्माण करने में तो कृत्रिम मौसम का निर्माण का पता लगाने में साइट्रोटन का प्रयोग किया जाता है। साइट्रोटन दूर की वस्तुओं का ताप मापने में तो पाइकोमीटर का प्रयोग इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। दूर की वस्तुओं का ताप मापने में पाइकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आवर्तित गति कर रही वस्तुओं का वेग मापने में तो आवर्तित गति कर रही वस्तुओं का वेग मापने में स्ट्रोबोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, स्ट्रोबोस्कोप का। बातचीत रिकॉर्ड करने तथा पुनः सुनने के लिए तो डिक्टाफोन का उपयोग किया जाता है बातचीत रिकॉर्ड करने में और सुनने के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड, विद्युत ऊर्जा संग्रह में तो एक्यूमुलेटर का प्रयोग किया जाता है, एक्यूमुलेटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत ऊर्जा संग्रह में। और विद्युत धारा की दिशा बदलने में तो कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा की दिशा बदलने में। गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी अभिलिखित करने में तो ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी अभिलिखित करने में। इंजन में पेट्रोल में वायु निश्चित भाग मिलाने में तो कार्ब्यूरेटर का प्रयोग किया जाता है इंजन में पेट्रोल में वायु का निश्चित भाग मिलाने में। और लास्ट है फ्रेंड, जल में उपस्थित तेल और क्षेत्रों का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है जल में, तो वो समुद्र में पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है तो वो है ग्रेविमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र तल में तेल का पता लगाने के लिए। तो ये थे फ्रेंड इंपॉर्टेंट कुछ उपकरण और उसके कार्य। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा फ्रेंड, और अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक बटन है फ्रेंड एक बार जरूर दबा दें। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए फ्रेंड प्लीज़ सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें फ्रेंड, ताकि आपको वीडियो का अपडेट मिलता रहे फ्रेंड। ओके फ्रेंड, बाय।